भाई सच में फट गई मेरी आवाज क्लियर आई है भाई, चलने की भी अंदर से आपको आपको मैं एक बात बताऊंगा। हाँ मैं लेकिन सच बता रहा हूँ, विश्वास बता रहा हूँ, मैं और कहीं भी देखूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा। हाँ मैं जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ देखता हूँ चक्कर आने लग रहा है मेरे को, चक्कर आने बहुत ही बॉडी में अजीब सा हो रहा है। इस गेट से आई है, कोई चीज हमें फॉलो कर रही है क्या यार? पता नहीं भैया, वो उस जगह देखो पीछे की लगा रखी है, इसका रीजन है कुछ ना कुछ, कील जो लगा रखी है। हाँ यार वो जो किले लगा रखे ना, किले गाड़ रखी है। ओ भैंस की यार भाई। नमस्कार, हाँ जोड़ के आप सभी को मेरा प्यार। ये वीडियो लेट आने का जो रीजन है ना, वो यही है कि अभी भी इसी चीज में लगा हुआ हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, गोवा में हमने हॉन्टेड थ्री किंग्स चर्च जो है वो शूट किया और भाई सारे गैजेट्स है ना अपने आप फ्लक्चुएट होने लगे, कैमरा अपने आप बंद हो रहा है, बैटरी बार बार मतलब डिस्चार्ज हो रही है, मैंने 3-4 बैटरी भी खरीदी हुई थी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बार बार मैंने इसको देखो अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मतलब क्या होता है ना कभी कभी आपका, जैसे अब ये मेरा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन और जो रिसीवर होता ना वो अपने आप बंद हो जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर बैकअप अपने आप हो जाता है ऑडियो का, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है मुझे पता नहीं भाई, यही रीजन था कि इतनी ज्यादा लेट हो गई है वीडियो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अब ये लगा लो कि मतलब एक तो पूरी की पूरी जो मतलब 8-9 मिनट की जो क्लिप है वो वॉइस उसमें है ही नहीं, ऐसी है। अब जितनी भी इसमें से मतलब वीडियो है, मतलब 30% वीडियो मैं रिकवर कर पाया हूं, तो वो 30% ही मैं डाल देता हूं। तो आई होप आप समझो इस चीज को, बाकी नेक्स्ट टाइम जाके फिर से हम इस लोकेशन को कवर करेंगे। So, आप वीडियो को एंजॉय करो। राम राम, नमस्कार, हाथ जोड़ के आप सभी को मेरा प्यार और आपका प्यार। फिर एक बार खींच लाया मुझे गोवा और थ्री किंग्स के दरबार, भाई दरबारी है उनका, ठीक है। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा डिमांड आप सबकी, बहुत ही ज्यादा प्यार दिया आपने पुरानी वाली वीडियो को। तो मैं गोवा आ रहा था तो मेरा फर्ज था कि आपके लिए दोबारा एक बार फिर से शूट करूं थ्री किंग्स चर्च। और यार लिटरली पता है क्या लोगों के क्या कमेंट्स थे, लोगों के ये कमेंट्स थे कि ऐसा कैसे हो गया कि आप थ्री किंग्स चैपल गए और आपको कुछ दिखा नहीं हॉन्टेड। भाई नहीं दिखा तभी, आज देखते हैं सारी कहानी जो है ना इस पेड़ की है। ये पेड़ देखो पहले आप, ये देखने में अपने आप में इतना हॉन्टेड और इतना डरावना है ना भाई। ओहो हो हो, लोगों को इसके ऊपर बैठे दिखते हैं राजा साहब, हमें दिखेंगे क्या लगता है भाई? सच में फट गई मेरी अभी, जैसी मैंने बोला ना अंदर से पत्ते हिलने लग गए यार। एक बार फोकस करो आप पेड़ के ऊपर और देखो अंदर से सच में पत्ते हिल रहे हैं, बाहर का पत्ते नहीं हिल रहा, अंदर के पत्ते हिलने लग रहे हैं। ये कैसे हुआ? तो मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन पे हम खड़े हैं इस टाइम गोवा की। ये है वो चर्च जिसकी कहानियां एक बार फ्रंट से आपको दिखा देता हूं, आपको पता लग जाएगा। मोस्ट फेमस चर्च इसलिए भी है क्योंकि आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर मर्डर फाइंडिंग फैनी उसमें भी इसको देखा होगा। दिन अगर बात करें ना हम दिन की, तो दिन की खूबसूरती को देखने के लिए ना, दिन की इस लोकेशन को देखने के लिए यहाँ लोग है ना पागल हो जाते हैं भाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पे टूरिस्ट आता है, लेकिन 7 बजते ही यहाँ ना कोई गार्ड आपको भगाने आता है, यहाँ ना कोई भी मतलब आपको भगाने नहीं आता, खुद ब खुद लोग यहाँ से चले जाते हैं यहाँ की हॉन्टेड कहानी की वजह से। बहुत ज़्यादा हॉन्टेड। अब आपको ये दिख रहा होगा ढंग से कि क्या है थ्री किंग्स चर्च। बहुत ज़्यादा बड़ी लोकेशन नहीं है, एक ही है ना, लोकेशन ऐसी है कि मतलब ये है ना एक ऐसे करके एक पहाड़ है और उसके ऊपर एक पूरा का पूरा प्ले ग्राउंड टाइप जो होता है ना वैसे में ही पूरा एक ग्राउंड है, और उधर की साइड थोड़े से आपका कह सकते हो कि कब्रें हैं और यहाँ पर है ये थ्री किंग्स चैपल। दिन में आपने बहुत सारे फोटोशूट्स मूवियों के शूट्स यहाँ पे देखे होंगे, मैंने भी एक व्लॉग डाला है दिन की लोकेशन का,
वो दीप वर्मा जो मेरा व्लॉगिंग वाला चैनल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ व्लॉग करता हुआ। अभी अभी कैमरा की बैटरी डेड हो गई है और पता नहीं कैसे हो गई इतनी जल्दी। यार कुछ तो है यार ये आवाज समझ नहीं आ रहा। आज बसेरी गई। हाँ यार एक गेट ये भी है यार। नाइन नॉक करे तो अच्छा है कहीं कुछ है? क्या करे नाइन नॉक करे मेरे को तो समझदार लगते नहीं है। देखते हैं बंदा पूरी तरह पूरी तरीके से बंदा है। भाई ज्यादातर लोकेशंस पे आपने देखा होगा कि सिर्फ मैं और राकेश जाते हैं और आज हम तीन जने हैं यहाँ पे। भैया जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, वीर जिन्होंने लाइट पकड़ी हुई है और मैं। लेकिन तीनों को क्लियर आवाजें आई है ना? बिल्कुल यार आई है ना वीर आवाज? बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना आवाज क्लियर आई है भाई। चलने की भी अंदर से आपको आपको मैं एक बात बताऊं मैं। हाँ मैं लेकिन सच बता रहा हूँ, विश्वास बता रहा हूँ, मैं और कहीं भी देखूं मुझे कुछ नहीं हो रहा। हाँ मैं जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ देखता हूँ चक्कर आने लग रहा है मेरे को। चक्कर आने बहुत ही बॉडी में अजीब सा हो रहा है यार। हम भी तीन ही है। बहुत अजीब हो रहा है। मैं जैसे पेड़ की तरफ इसलिए अब देख ही नहीं थे वापस में। जैसे उस तरफ देखता हूँ जैसे मतलब यार पता है क्या ये चीज़ है ना, शायद समझोगे नहीं लेकिन सीरियसली सच बता रहा हूँ मैं आपको कि है ना कुछ एक ऐसी वाइब है यार इस पेड़ में कि है ना जब मैं शाम को भी यहाँ पर पहुंचे ना अपन वो भाई मतलब इस पेड़ से मतलब अजीब सी एक वाइब आ रही है यार। एक अलग सा एक अलग वाइब है इस पेड़ में। डर लग रहा है इस पेड़ से। डर लग रहा है इस पेड़ से यार। फिर आई है कहां से आ रही है यार? इस गेट से आई है। कोई चीज हमें फॉलो कर रही है क्या यार? पता नहीं भैया वो उस तरह देखो पीछे कील लगा रखी है। इसका रीजन है कुछ ना कुछ कील जो लगा रखी है। हाँ यार वो जो कीले लगा रखी है ना कीले गाड़ रखी है। हाँ वो कीले गाड़ते हैं मतलब नीचे। इसका रीजन है कुछ ना कुछ क्या? नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इसलिए करी जाती है। ये दीवार में भी है दो। हाँ भाई आवाज आई से आवाज आई है। फिर से यहीं से आई है। यार ये तो वाकई में यार कोई टेबल खिसका रहा हो जैसे कोई चेयर वगैरह कुछ। चारों तरफ से तो बंद है ये। बंद है ये बंद है पूरा बंद है। ये आवाज तो है और पिछली बार कोई आवाज नहीं आई थी मेरे को यहाँ पे। आवाज है। माइक चल रहा है मेरा ये लाइट हो रहा है ना ठीक है क्योंकि भाई माइक की बैटरी भी चली गई है मतलब इसके रिसीवर की बैटरी चली गई है और मुझे नहीं पता कैसे क्योंकि आज ही मतलब हम जब भी कहीं शूट पे जाते हैं ना पहले सारे गैजेट्स चार्ज होते हैं उसके बाद ही हम शूट पे जाते हैं। लेकिन आवाजें अभी हमें यहां से ऐसे आई थी जब फर्स्ट टाइम आई है उसके बाद से अंदर से आवाजें हैं। अभी तो कोई आवाज नहीं है।
यहाँ से अब चलना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं भैया, थोड़ी देर रुकते हैं, कंक्लूजन तो देखें क्या है क्या नहीं है। नहीं देखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं, ये कंफर्म हो रहे हैं चीजें क्या है, आवाजें जो आ रही है क्या है, कैसे है, क्या है। क्या खोल दूंगा गेट? नहीं यार है? ऐसा थोड़े से आगे लोकल जो पंचायत है वो ऑब्जेक्शन ना उठाए, मेरे को मेरे दिमाग में चल रहा था मैं खोल देता गेट, है ना। मैं गेट खोल देता। थोड़ी देर, ओ भैंस की यार, भाई एकदम से डरा दिया इस कुत्ते ने मुझे। हाँ डरा दिया तूने, हैं डरा दिया, डरा दिया। अरे कुछ इंडिकेट तो नहीं कर रहा ये ऐसा। तुझे डर नहीं लगता यहाँ पे? भूत नहीं दिखता क्या? हुआ भूत नहीं दिखता? हाँ हाँ, ये कुछ कहना चाह रहा है क्या? अबे क्या कर रहा है ये? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या करना चाह रहा है ये? हाँ ये कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ कहना चाहता है, बस यही दिख रहा है कि बोल नहीं पा रहा। बस ये पकड़ के हाथ ले जाना चाह रहा मैं कहीं। कहाँ जाना चाह रहा है? क्या हुआ? हाँ बोल, बता क्या कर रहा है? पता नहीं कैसे बिहेव कर रहा है ये, देखो भूखा तो नहीं है क्या? पता है क्या हो गया, क्या हो गया? चल थोड़ी देर भैया टाइम बिताते हैं यहाँ पे, है कर दो आप, कट करो एक बार, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। देर हो चुकी है अब 40 से 45 मिनट हम यहीं बैठ गए थे, बैग ये हमारा रखा है और ये भी हमारे साथ यहीं बैठ गया था। अब मैंने ऐसे सुना है कि इनको तो इंडिकेशंस कुछ ना कुछ होती हैं डॉग्स को, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसी कोई इंडिकेशंस तो मिली नहीं, तो फिलहाल तो बाय बाय करते हैं इस लोकेशन को, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी आ रही है वो हवा की वजह से। हमने बैठ के ही बातें कर रहे थे कि हवा की वजह से तो नहीं बची, हवा की वजह से भैया आप एक जगह रहो मैं आगे चलूँ, कि हवा की वजह से तो नहीं कोई खिड़की बची या फिर हवा की वजह से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो पत्ते जो उड़े होंगे वो भी शायद हवा की वजह से, क्योंकि हवा तो चल रही है ये तो ऑब्वियस है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। भाई गोवा में आया हूँ आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं और जाके इंजॉय भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन मेरा पहले मेरी जो फर्स्ट ड्यूटी है ना, वो जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर 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 अपनी एडवाइस या फिर अपनी राय देना मेरे को। इस वीडियो को करते हैं एंड, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, आई होप आपको मजा आया होगा। आओ उम्र न्याणी पर काम वड्डे ने, यार पुराने पर नहीं छड्डे ने, डब्बे विच रखे मुंडा डूल गोरिए, दो साल पहला छड्डे आ स्कूल गोरिए।